السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Am I audible? Yes, sir. جيس جزاكم الله خيرا. चलिए अजीज भाइयों और बहनों, हम इकरास शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाइज़्ज़त कलाम से. हम सूरह बनी इसराइल पढ़ रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी 37 वर्सेस पढ़ ली और आज हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला वर्स नंबर 38 और वर्स नंबर 39. अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العلي العظيم. क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्सेस पढ़ी, चंद दिनों से हम पढ़ रहे हैं. हमने 18 वर्सेस पढ़ ली ऐसे जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूलिंग्स बता दी. पहले बताया कि तुम्हारे रब ने फैसला कर लिया कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, अपने वालदेन के साथ उसने सलूक कर लोगे. वालदेन की बात हुई, उनके बुढ़ापे में कैसे पेश आना है वो बात हुई. उसके बाद रिश्तेदारों के साथ और गरीबों के साथ, यतीमों फकीरों के साथ किस तरह से पेश आओगे वो बात हुई. उसके बाद अपने बच्चों को कत्ल मत करो, वो बात भी हमने कर ली. उसके बाद हमने आगे बात कर ली कि यतीम का माल ना हक ना खाओ, ये बातें हमने कर ली. हमने ये भी पढ़ा कि जब नापना तोलना हो तो बराबर बराबर तोलो और अपनी बैलेंस को एरर फ्री रखो. ये सब बातें हमने कर ली और बहुत, और जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उस बात के पीछे मत पड़ो, ऐसी ऐसी बातें हमने बहुत पढ़ी. 18 आयतें, 18 आयतों में हमने ये रूलिंग्स पढ़ ली. अब अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु ज़ालिका, अब जो जो ही ऊपर अहकाम हुए इनमें से, जो भी हमने ये 18 आयत में जो अहकाम सुन लिए इनमें से, अल्लाह फरमाता कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंदा रब्बिका मकरूहा, ने ये जो कुछ गुजरा ना इनमें से, इनमें से हर एक बुरी बात, यानी अगर इनमें से किसी भी रूलिंग्स को हम तोड़ देंगे, अल्लाह ने हुक्म किया माँ बाप की खिदमत करनी अगर खिदमत ना की, या अल्लाह ने हुक्म किया कि बच्चे को कत्ल मत करो अगर कत्ल कर लिया, यतीम का माल माल ना हक ना खा लो अगर खा लिया, अल्लाह फरमाते का न सयहु इंद रब्बिका मकरूहा, तो इनमें से हर एक बुरी चीज क्या है, इंद रब्बिका मकरूहा, ये तुम्हारे रब के हाँ बहुत नापसंद है, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता, ये नापसंद है अल्लाह. ठीक, इन्हें इन्हें रूलिंग्स को ब्रेक करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ, ये क्या चीज़ था जो कुछ हमने ये जो आपको ये अहकाम दिए, ये क्या है, ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ, बस ये है, ये उन वहियों में से है जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ भेजी. ये उन वहियों में से, ये उस वही में से कुछ बातें हैं जो रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तरफ भेजी है. मिन अल-हिकमा, ये हिकमत की बातें हैं, ये दानाई हिकमत की बात. ठीक, यानी इसमें ना कुछ मुफसरीन कहते हैं कि ये ऐसी बातें हैं जिन के अक्ल भी कहती है हाँ ये ऐसी होना चाहिए. दीज आर सपोर्टेड बाय हिकमा एज वेल, इंसान की अक्ल भी नहीं सपोर्ट करती. इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जहाँ इंसान की अक्ल हैरान हो जाती या जहाँ हमें लगता है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, बल्कि ये ऐसी बातें हैं कि इंसानी अक्ल भी कहेगी हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए. एक बात. दूसरी बात यह है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, सूरह तफसीर इब्न अब्बास में वो फरमाते हैं कि ये जो ये वर्सेस हैं ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लवह में से लिखी हुई थी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो तौरात भेजी उसमें से ये आयतें लिखी थी. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ भी पहले तौहीद से ही स्टार्टिंग की थी, वक़दा रब्बुका अल्लाह अल्लाह तअबुदु इल्ला या कि, और तुम्हारे रब ने हुक्म किया फैसला किया कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करोगे. और यहाँ भी अगर आप देख लेंगे, यहाँ भी इस एंडिंग में भी उनको फिर वहां शिरक से रुकने का हुक्म किया गया था, और यहाँ भी है वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक मत ठहरा. तो अल्लाह ने हुक्म भी किया तौहीद का, स्टार्टिंग की थी तौहीद से ही और उसकी एंडिंग भी की थी शिरक से रुकने, यानी कि तौहीद से ही एंडिंग भी, तौहीद से भी स्टार्टिंग भी. गोया कि पता ये चला कि हिकमत इसी बात में है कि जो भी कोई काम हो उसमें तौहीद का होना जरूरी है, ईमान का होना जरूरी है. जो काम ईमान के बगैर किया जाए वो काम मरदूद है,
जिस काम में ईमान ना हो वो काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई बंदा अगर डिसबिलीवर है, नॉन बिलीवर है, और वो कितना भी अच्छा काम कर रहे, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कोई वक़ात नहीं, कोई कदर कीमत नहीं। ठीक, तो बेसिक क्राइटेरिया जो है, बेसिक कंडीशन जो है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है, सबसे बेसिक क्राइटेरियन किसी काम के कबूल होने के लिए, वो है ईमान, अल्लाह पे ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए किया जाना चाहिए। तो यह हिकमत की बातें हैं। वला तजअल मअल्लाह इलाहन आखर, और मत ठहराओ। अच्छा, यहाँ पे ना एक अजीबो गरीब बात यहाँ पे है, वला तजअल मअल्लाह इलाहन आखर, यहाँ पे ये किसे हुक्म किया जा रहा कि अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा खुदा ना ठहरा, किसको हुक्म किया जा रहा? इस पे मैं भी बात करूंगा पहले पूरी वर्स की ट्रांसलेशन करने के बाद। वला तजअल मअल्लाह इलाहन आखर, और अल्लाह ताला के साथ किसी और को इलाह मत ठहरा, किसी और को शरीक मत ठहरा, दूसरा खुदा ना ठहरा। फतुल काफी जहन्नम मलूम मदहूरा, अगर तूने ऐसा किया तो फिर क्या होगा? फतुल का बस तुम्हें फेंका जाएगा, फी जहन्नम, जहन्नम में, किस हालत में? मालूमन, ये क्या ये हाल है, किस हालत में फेंका जाएगा तुम्हें? मालूमन, ताना पाता हो, मलामत पाता हो, मलामत शुदा, मदहूरा, धक्के खाता हुआ, ये तुम्हें जहन्नम में फेंका जाएगा, ताना पाता हुआ, ने बुरा भला सुनता हुआ और धक्के खाता हुआ, अगर तुमने अल्लाह ताला के साथ किसी और को खुदा माना। जरा मुझे बताएं, ये यहाँ पे किसको हुक्म किया जा रहा है? वला तजअल मअ अल्लाहि आख इलाहन आख, किसको हुक्म किया जा रहा है? किसको हुक्म किया जा रहा है? मदीना, प्लीज अनम्यूट करें। कुरान फहमी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कुरान समझ आना चाहिए, ये किसका हुक्म किया जा बहुत सारे मुफस्सिर ने यहाँ पे लिखा है, ए पैगंबर, अल्लाह ताला के साथ, नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे खुदा को शरीक मत ठहरा, वरना तुम्हें जहन्नम में ऐसे फेंका जाएगा, नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक। यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि ये अंबिया तो सारे मासूम होते हैं, अंबिया के यहाँ गुनाह का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, अंबिया गुनाह कर ही नहीं सकते, अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम रखा है इस चीज़ से, अल्लाह ने उन्हें इससे बिल्कुल पाक रखा, अंबिया से गुनाह हो ही नहीं सकता, और शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है। ये कहने वाले, ये मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे बारे में बात हो रही है, आप सुन रहे हैं, या आपके बारे में बात हो रही है, जो भी सामने मुखातिब है, ये उसको हुक्म किया जा रहा है, ये अवाम को हुक्म किया जा रहा है, ये पैगंबर को हुक्म नहीं किया जा रहा कि वला तजअल मअ अल्लाहि इलाहन आखर। पैगंबर तो माशाल्लाह इससे पहले ही पाक है, वो तो पहले से ही पाक होते हैं, वो थोड़ी ऐसा करते हैं। ये हम लोगों से कहा जा रहा कि अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे खुदा को शरीक ना ठहरा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बराह करम खुदा के लिए पहले ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले, आजकल मार्केट में ना बहुत हजारों ट्रांसलेशन है कुरान की, जो इंसान को गुमराह कर देंगे, गुमराह कर, जो कि कुरान खुद कहता है ना, यहदी भी युदिल भी कसीर व यहदी भी कसीरा, इसी कुरान से बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाएंगे और बहुत सारे लोग हिदायत भी पाएंगे। तो इसी कुरान से लोग गुमराह, यही कुरान पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाए, ये भी एक तरीका है कुरान पढ़ के गुमराह होने का, कि आप अगर ट्रांसलेशन पे रिलाई कर लेंगे और पता नहीं किसे अकायद बना बैठेंगे। तो मार्केट में ऐसी ट्रांसलेशन हैं जिन्होंने ये तर्जुमा किया है, ए नबी, आप अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक ना ठहरा, सलाम करे इमाम आशिकां आला हजरत अली रहमा पे, उन्होंने लिखा, ए सुनने वाले, अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ना ठहरा। तो ये पैगंबर के लिए ये हुक्म नहीं है, ये हम लोगों के लिए हुक्म है, हमें ये कहा जा रहा है, क्योंकि अब आगे आगे वाली वर्स खुद बताती कि पैगंबर के लिए नहीं है, क्यों? फतुल काफी जहन्नम मलूम मदहूरा, जो है ना, अगर तूने ऐसा किया तो तुम्हें जहन्नम में धक्का खाता हुआ, मलामत पाता हुआ फेंका जाएगा। ये अल्फाज अगर किसी ने पैगंबर के लिए सोच भी लिए तो वो काफिर हो जाता है, अगर अल्फाज अगर किसी ने अल्लाह ताला के प्रोफेट्स में से किसी के लिए भी सोच लिए तो वो काफिर हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमें सोचना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि हम किस ट्रांसलेशन को पढ़ रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं। आई रिकमेंड यू ऑल, प्लीज तंजुल ईमान को अपने हिर्ज जहां बनाइए,
ईमान से कुरान सीखें तो आपका ईमान बच जाएगा, वरना बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है ईमान का बचाना, बहुत मुश्किल है। इसलिए बेटर यह है कि आप लोग खुद अरबी सीखें, रले मत करें ट्रांसलेशन इस पर, खुद अरबी सीखें ताकि आप लोगों को खुद समझ आ जाए कि मेरा रब मुझसे क्या बात कर। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को शिर्क की इस बदतरीन लानत से बचाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम की आग से बचाए, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तौहीद और रिसालत के माना व मफहूम सही सही मानों में समझाने समझाए, और अल्लाह ताला हमसे राजी हो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे पैगंबर को हमसे राजी रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिजाह नबील अमीनुल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। तो चलिए अब अनम्यूट करेंगे सब लोग, क्योंकि अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी क्लास शुरू कर देंगे जल्दी माशाल्लाह। हमने लास्ट क्लास में सरफे सगीर पढ़ ली थी, बाब नसर यंसू से हम सुलासी मुजद से पढ़ रहे थे, और आई होप कि आप लोगों ने याद कर ली होगी। सहेल अहमद याद किया आपने? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, सर, किया था सर, जराबा सुनाए। ये जौद नहीं, ये जराबा दौद है, ये दौद है। दरबा यादरी, यादरिबुन दरबन फहुआ दारिबुन दुरीबा युद्रबु दरबन फजा का मजरूबुन लम 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 यद ला से सर फतह आएगा क्या? ला से फतह आएगा क्या? नहीं सर, ला युद्रबु ला यद्रिबु ला युद्रबु। हाँ फिर ला यद्रिबु ला युद्रबु लाइन यद्रिबा लाइन युद्रबा لا يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربن الأمر منه اضرب يتضرب يضرب آيغا، اضرب इधर اضرب क्यों, इधर ही आएगा ना, इधर ही। हाँ اضرب 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 يتضرب لي يضرب बस करिए बस وان करिए, रुक रुक जाए, रुक जाए आप, रुक जाए आप। चलिए इफ़ल आप इससे आगे सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम सलाम। हाँ वहीं से आगे। वनही अनहो ला तद्रिब ला तुद्रब ला यद्रिब ला युद्रब वजर्फ मिनहो मद्रिबुन मद्रिबानी मदारिबु औ मुदरिबुन व आला तो मिनहो आओ मिद्रबुन नहीं है, ये नहीं है आओ, यह है वा। आओ मीन्स और, वा मीन्स एंड, वा मुदैरिबुन, ومدي ربون وآلات منه مدربون वल आलत, वल आलत मिन्हु। والآلات منه مدربون مدربان مدارب ومديربون مدربة مدربتان مدارب ومديربة बस ومديربة रुके 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 रुके, होना सा करिए वहां से कंटिन्यू। مدرابون مدراباني مداريبو ومديريبون ومديريبتون الأفلو ال سوري سر أفعل تفصيل المذكر منه أفعلون آئے گا کیا؟ مضاف پہ کبھی یہ تنوین آتا ہے؟ أفعل التفصيل हुँ। المذكر منه हुँ। أضرب أضرباني أضربون أضارب وأضيربون हुँ। ما شاء الله والمؤنث منه دربة دربيان دربيات در دربيات درب درب ودريبا رکے رکے رک جائے بس 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 رکے رکے، سیرت آپ آگے پڑھیں پہلے تعجب منه فعل التعجب، فعل التعجب، فعل تعجب منه ما أضربه
अदरब भी अदरिब वा भी। अदरब भी वा दरुबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था बाकी जो सोशल से जो बाकी अब्बा बचते हैं आप उन्हें से खुद गर्दनी बना के मुझे सेंड कर लेंगे। अभी तक माशाल्लाह किसी ने सेंड नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग गिवन टाइम पीरियड में मुझे सेंड कर लेंगे। आज हम स्टार्ट कर लेंगे 84 मजीद फी से। आज हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पढ़ रहे सरफे सगीर, सरफे सगीर। आज 16 मजीद फी, मजीद फी हम पढ़ेंगे आज। पहले अजबाब, पहले मैंने कौन सा बाब पढ़ाया था आपको? इफ़ाल इफ़ाल से, हाँ इफ़ाल से करेंगे। अजबाब इफ़ाल, इफ़ाल। चले इस बाब से हम बनाएंगे, हम बनाएंगे इकरामुन से। इकरामुन इसी बाब से, इकरामुन। इकरामुन की मीनिंग होती है इज्जत करना, इज्जत करना। चलिए पहले मुझे बता दें आप लोगों में से कोई एक कि बाब अफ़ाल की क्या प्रॉपर्टी, इसे क्या होता है? लाजिम मुतादी में चेंज होता है। माशाल्लाह, है लाजिम मुतअद्दी में चेंज होता है। और इसका क्या वजन होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? अफ़अलो हाँ अफ़अलो युफ़इलो इफ़ालन। माशाल्लाह, अफ़अलु युफ़इलु इफ़ाल। चलें तो हम करेंगे स्टार्ट। बना आपका स्टार्ट लिखेंगे अकरमु, अफ़अलु के वजन पर अकरमु, युकरिमु। जी जल्दी जल्दी, इकरामन। इकराम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लिखा मैंने? पहले माजी का पहला सीगा, मुदारी का पहला सीगा, अफ़अलु युफ़इलु इफ़ालन के वजन पर है। बिल्कुल जैसे अकरमु अक्रम आएगा ना, जी। ओ सॉरी, हाँ अक्रम। हाँ अकरमा युक्रिमु इकरामन, अकरमा इकरिम युक्रिमु इकरामन, अफ़अला युफ़इलु इफ़ालन के वजन पर अकरमा युक्रिमु इकरामन। आगे क्या आएगा? फहुआ, मुकरिमुन। फहुआ मुकरिमुन। हमें पता है मजीद फी से फाइल का क्या वजन होता है, बताए जल्दी क्या मुफ़इलुन। होता? मुफ़इल होता है। माशाल्लाह। और आगे अब इन्हीं का मजहूल, वाह वाह। मजहूल कैसे आएगा? वाह मुकरिमा। बताया था मैंने, फेले मजहूल का वजन बताया था, जी सर। व उक्रिमा बोला था मैंने मजीद फी से फेले मजहूल का वजन, व उक्रिमा। युकरम। बाकी लोगों को याद ही नहीं है युक्रमु। माशाल्लाह, क्राम। इकरामन, वेरी गुड। अकरमा युक्रिमु इकरामन फहु मुक्रिमन, व उक्रिमा युक्रमु इकरामन फदाका मुकरमन। ज़ाका मुकरमुन। ये मुकरमुन किसका वजन है? मफूल का। मफ़ऊल का वजन है। माशाल्लाह, ज़ाका मुकरमुन। और आगे क्या आएगा? अब हम करेंगे युक्रिम। लम यूज। हाँ लम से क्या बनेगा? लम, लम से होता क्या है अरबी में, क्या होता है? जज्म आता है। जज़म आता है। माशाल्लाह, लम युकरिम। लम अब उस युक्रम। उसी का मजहूल लम युकरम, लम युकरम। और आगे अब ला ला यूज कर युक्रिम। बनाएंगे ला। अब इसे क्या अरबी में होता है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। माशा, ला युकरिमो। ठीक, आगे अब इसी का ला मजहूल युक्रम। ला युकरम। माशाल्लाह, ला युकरम, वेरी गुड। और आगे अब लन यूज होगा, है ना? अब लन यूज कर लेंगे, लन लाइन। करीम।
लाई युक्रेमो, युक्रेन। लाई युक्रेमो, युक्रेमा सॉरी, लन के वजह से इस पे नसब आएगा, लाई युक्रमा। अब इसी का हम बनाएंगे मजहूल। मजहूल क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा यहाँ पर, लाई युक्रिमन्ना इसका मजहूल पहले ना, लाई युक्रिमा का मजहूल लाई युक्रमा। जी सर। अब ला यूज कर लेंगे, अब नून से हम ताकी देंगे, ला युक्रिमा, ला युक्रिमन्ना, ला युक्रिमन्ना। अब उसी का मजहूल ला युक्रमन्ना, ला युक्रमन्ना। अब नून साकिन से देंगे, लयुक्रिमन। अब इसी का मजहूल लयुक्रमन। ठीक है जी, ये हो गई इसकी बात। अब आगे क्या बनाना है हमें, आगे बनाएंगे हम फेले अम्र, अल अम्र मिन्हु। देखिए पहले आपको ये समझना होगा, आपको पता है बाब मजीद फी अवाब से जो फाइल का वजन आता है वो आता है मुफ़इलुन के वजन, मुक्रिमुन है ना, मुक्रिमुन। और इसी तरह से मफ़ऊल का वजन आता है मुफ़अलुन के वजन, मुकरमुन। यह हमने पढ़ लिया था सुलासी मुजरद में, आता था फ़ाइलुन और मफ़ऊलुन के वजन, लेकिन यहाँ क्या आता है मुफ़इलुन और मुफ़अलुन के वजन, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। बाकी चीजें कुछ भी नहीं है, बाकी जो वजन है लम का वही काम होगा, जो लम वहां काम करते वो यहाँ भी कर लेगा, लन जो वहां करता था वही लन यहाँ भी करेगा। ये नूने ताकीद जो है, चाहे नून मुशद्दद हो या नून साकिन हो, इनकी वजह से जो कुछ होता था वो यहाँ भी होता था वहां भी होता था, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। बस आपको स्ट्रक्चर समझना है, आपको स्ट्रक्चर समझना है, और आपको याद होना चाहिए कि इफ़ालुन से मीनिंग में क्या चेंज आती है, इफ़ाल बाब से क्या चेंज आती है। अगर हम इसी चीज को इज्जत करने को अगर हम सुलासी मुजरद से कहें ना, तो उसमें क्या मीनिंग आती है, अब यहाँ क्या मीनिंग आएगी, आपको करोमा यक, अगर हम करोमा यकुम से कहेंगे तो क्या उससे क्या मीनिंग आएगी, और ऐसे कहेंगे तो ऐसे क्या मीनिंग चेंज, मीनिंग में कौन सी चेंज आ जाएगी, आपको ये समझ आ जाना चाहिए। अब हम इससे फिल अमर बनाएंगे, अल अमर मिनहु। बताएं बताएं जी, अक्रम एक मिनट रुकिएगा। मुन्ना साहब सही से बोल रहे हैं अक्रीम, क्या ये सही बोल रहे हैं? सुक्रम उक्रिम, सहेल अहमद क्या सही है? अक्रिम अक्रिम, सीरत क्या सही है? मुझे नहीं याद। आपको नहीं याद? इफला क्या सही है? अक्रिम क्यों है अकरम सही? सा अक्रिम ही सही है। इफला बोलेगी क्यों है अकरम सही? क्योंकि हमने रूट को देखने अलिफ को हक देनी है, मतलब कि पहले क्या 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 क्या, क्या? फिर से क्योंकि क्योंकि लास्ट में हम इसको जज़्म दे देंगे और पहले ये ऑलरेडी हमने पढ़ा ना फेले अम्र में, या तो हम हमजा वसले पे या फिर कसरा देते हैं या दम देते हैं। वो आयन कलमा पे डिपेंड करता है। हाँ आयन कलमा पे डिपेंड करेगा, आयन कलमा पे यहाँ कसरा है तो सामने क्या आएगा? वो देखा था हमने, अगर हमजा वसले लगाने की नीड होगी तब। हाँ यह नहीं है क्या? फेल अमर किससे बनता है? फेल अमर बनता है मुजारे से, अलामत मुजारे को ड्रॉप करके, यहाँ तुकरिमु था, तुकरिमु से ता को ड्रॉप किया, देखिए ये था तुकरिमु, ये था ना तुकरिमु, ता को ड्रॉप कर लेंगे। अब क्या बना, अब कुछ यूं बना, अब आगे लास्ट में फिर इसको ये जश्न देंगे।
अब सामने तो हमजा वास्ते लगाएंगे, अब बताया मुझे इस पे क्या अरब आएगा, इस पे क्या हरकत आएगी? फतह अथा क्यों आएगी? आयन क्रम पे तो कसर है। हमने देखा था, अगर अगर फतह या कसरा होती है तो हम फतह देते हैं, हथा और देते हैं। अगर जरा 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 मुझे बता, मैंने कहाँ बोला फिर हथा देते? ये कहाँ से पढ़ा आपने? ये कहाँ से पढ़ा आपने? मुझे ही कंफ्यूजन हो रहा जब रिवाइज नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा, और ये पनपता रहेगा कंफ्यूजन, ये कभी फिर सॉल्व नहीं होगा। जब रिवीजन नहीं करेंगे आप लोग, यही होगा। सोहेल अहमद समझाए, बताए मुझे सोहेल अहमद। सोहेल अहमद जी सर। बताए, सर क्योंकि सईद साहब ने बोला ना इसलिए है। बताए मुनजा, मुनजा बता दे जल्दी, टाइम नहीं है। सब पता नहीं, फिर क्या पहले बोला अपने अक्रीम, फिर बोला नहीं अक्रीम ही आएगा, क्योंकि सईद साहब ने बोला अक्रीम इसलिए। मौसम मुझे जो कंफ्यूजन इखलाक हुआ मुझे भी सेम था। बताए सईद साहब आप। सर हमने पढ़ा था अगर हमजतुल वसलिया बढ़ाने की नीड होगी तो हम बाब इफ़ाल के केस में हमजा पर फतह करेंगे और बाकी अबवाब में फिर कसरा ही आएगा। माशाल्लाह, वेरी गुड। हमने मजीद फे के केस में देखा, जब फेले अमर हम बनाएंगे, हम फेले अमर बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जैसे हमने सुहासी मुजरद के केस में बनाया था, एक्सेप्ट इन बाब इफ़आल। जब हमें हमजा वसले बढ़ाने की जरूरत होगी, बाब इफ़आल में हम हमजा वसले पे फतहा देंगे, बाकी तमाम अबवाब में कसरा देंगे। ये बात हमें कर लीजिए। तो ये बाब इफ़आल है, यहाँ पे अक्रिम आएगा, उक्रिम नहीं आएगा, और यहाँ कभी भी आपको दम्मा से ये नहीं बनेगा, क्या नाम है इसका, फेले अमर दम्मा लगाने से नहीं होगा हमजा वसले पे। मजीद फिर में यह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कसरा से बनेगा, एक्सेप्ट इन बाब इफ़आल। बाब इफ़आल के केस में हम फतहा लगाएंगे, ये अक्रिम बनेगा। ठीक है जी, रिवाइज नहीं कर लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। आप लोग प्लीज रिवाइज कर लिया कर ले, अच्छे से रिवाइज करें, ऐसे कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे फिर क्या फायदा? अगर आपको नहीं करना है रिवाइज, नहीं पढ़ना है, फिर मुझे वैसे ही बोले, मेरे पास और भी काम है बहुत ज्यादा करने के लिए। वल्लाही ये मैं जानता हूँ मैं आजकल टाइम कैसे निकालता हूँ, खुदा की कसम मैं आजकल इतना बिजी होता हूँ, वल्लाह आई डोंट हैव 10 मिनट्स, लेकिन मैं निकालता हूँ आप लोगों के लिए टाइम। प्लीज रिस्पेक्ट दिस टाइम, रिस्पेक्ट माई, जो कुछ मैं करता हूँ ना खुदा के लिए, इसकी कदर कर ले, फिर नहीं मिलेगा ये अक्रियम। आगे क्या बनेगा? लितुक्रम अक्रियम के बाद बनेगा इसी का क्या नाम है, मजहूल, लेतुक्रम। माशाल्लाह, और आगे जल्दी लियुक्रम अगर आप लोग को नहीं पढ़ना है प्लीज मुझे बता दे, कोई जरूरत नहीं है। लियुक्रम फिर इसी का मजहूल, लियुक्रम। अब फिर नहीं बनाएंगे, वन नहीं अन हो, क्या बनेगा? ला तुकरिम। ला तुक्रिम। अब ला की वजह से ला, लम लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, ये सब क्या करते, ये मुदारी पे जज्म देते, तो अमर से भी जज्म हुआ, अब नहीं में भी जज्म होगा, ला तुक्रिम। अब इसी का मजहूल बनाएंगे, ला तुकरम तुकरम। माशाल्लाह, ला तुकरम। और फाइनली आगे ला युक्रिम ला युक्रम ये थर्ड पर्सन के लिए बना रहे हैं, ला युक्रिम, ला
युक्रम। युक्रम, वेरी गुड। ये नहीं हो गया, अम्र हो गया, नहीं होगा। अब आगे क्या करेंगे? तो ज़र्फ़ मिन हो, ज़र्फ़ बनाएंगे इसे, ज़र्फ़ मिन हो। जी, किस वजन से बनता है ज़र्फ़? मुफालुन। मुफ़अल के वजन से, मुकरमन, मुकरमन। मुकरमन बोला था ना मैंने, मफ़ऊल और इसका एक ही वजन होते हैं। यहाँ मुकरमन, मुकरमाने, मुकरमाने आगे। मुक्रमातुन। मुकरमातुम, मुकरमातुम, इतना ही ज़र्ब बनेगा। वल आलतु मिन्हु, आला बनाए जल्दी जल्दी। विक्रमण। पक्का भैया? मजीद भी है, नो मजीद सच किसे नहीं कंफर्म। बनता, मा बिही यूज करना होगा, मा बिहिल इकराम। बोला था मैंने मजीद थी के केस में वो काम नहीं आएगा, यहाँ मा बिही लगाएंगे, फिर फाइनली जो इसका रूट वर्ड है बस वो लिखना है, मा बिहिल इकराम, वो जिससे इज्जत की जाए, ऐसा टूल जिसे इज्जत किया जाए। अब इसमें स्मॉल, इंटरमीडिएट और लार्ज टूल्स की बात ही नहीं होगी, बस एक ही टूल बनेगा, एक ही आला बनेगा, मा बिहिल इकराम, जिससे इज्जत की जाए। वल आलत मिन्हु मा बिहिल इकराम। अब अफअलु तफजील, ये मैंने बोला था यहाँ मुजक्कर मोनस का कोई कंसेप्ट नहीं होता, याद आया? याद आया कि नहीं? क्योंकि यहाँ के केस में ना, इसमें जो तफजील बनता है, इसमें तफजील वो नहीं बनता है अफअल और फुअला के वजन पर, यहाँ भी हमें अशद्दु ये यूज करना है ना, अशद्दु इकरामन। बस मजीद फी के केस में ऐसा होता है, पढ़ लिया था हमने, अफअलु तब्दील मिन अशद इकरामन। और फाइनली फेलु ताजुब, फेलु ताजुबे, फेलु ताजुबे मिन हो, बताएं जल्दी जल्दी। शायद अशदीद भी आएगा। मा अशद इकरामन, मा अशद इकरामन। अब इससे आपका सारा इल्म सर्फ रिवाइज हो जाएगा, देखिए सारा हो गया मजीद फिर रिवाइज। मा अशद्दा इकरामन और वो अशदिद बे इकराम ही, आप लोग नहीं रिवाइज करते, मुझे नहीं अच्छा लग रहा वल्ला। वो अशदिद बे इकराम ही, वो अशदिद बे इकराम ही, ये बोला था बस। इसके साथ सिक्के तो छोटी बन गई, ऐसे यूज होगा क्या? अकरमा युक्रिमु इकरामन फहुवा मुक्रिमन, व उक्रिमा युक्रमु इकरामन फजाका मुक्रमन। लम युक्रिम, लम युक्रम, ला युक्रिमु, ला युक्रम, ला युक्रमु, ला युक्रिमा, ला युक्रिमा, ला युक्रिमन्ना, ला युक्रमन्ना, ला युक्रिमन, ला युक्रमन। अल अम्रु मिन्हु इक्रिम लितुक्रम, ली युक्रिम, ली युक्रम। व नहयु अन्हु ला तुक्रिम, ला तुक्रम, ला युक्रिम, ला युक्रम। व ज़र्फ़ मिन्हु मुक्रमुन, मुक्रमानि, मुक्रमातुन। वल आलतु मिन्हु मा बिहिल इक्रामु, अफ़अलु तफ़ज़ील मिन्हु अशद्दु इक्रामन, फ़िलु तअज्जुब मिन्हु मा अशद्द इक्रामन, व अशदिद बि इक्रामिही। इस तरह से बनेगा। अब इससे आपका सारा मजीद फी वाला इल्म सरफ रिवाइज होने लगा, कि आपको अब समझ आ ही गया होगा कि यहाँ से फेले अमर कैसे बनाए। बाकी सब के केस में, हम फेले अमर के केस में क्या करेंगे, हम हमजतुल वसलिया जब लगाने की जरूरत हो तो फिर हम वहाँ क्या नाम है इसका, कसरा देंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इफ़आल, बबे इफ़आल में फतहा आएगा। बाकी जरफ ऐसे बनेगा, इसमें आला ऐसे बनेगा, इसमें तफजील ऐसे बनेगा, फिर ताजुब ऐसे बनेगा, ये हमने देखा। अच्छा, इसमें जो हमने देखा ना,
ये अकरम, अकरम में जो ये हमजा है, ये हमजा वसलिया नहीं, हमजा कतिया है, ये हमजा कतिया है। मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा आपको हमजे की टाइप्स। हमजा वसलिया मतलब जो वसल कराने के लिए यूज होता है। हमजा कतिया कभी ड्रॉप नहीं होगा, ये नहीं ड्रॉप होगा, ठीक, ये ड्रॉप नहीं होगा, ये सामने हमजा है, बट इट कैन इट विल नेवर बी ड्रॉप, ये हमजा कतिया है, ये कतई तौर पर वही है, ये ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है जी। और फेले अमर में जो हमजा है, हमजा वसलिया है, बिल्कुल पहले अमर में हमजा जो है वो हमजा वसली है, वो नहीं है हमजा कतली कतली है, वो हमजा वसली होता है, बट ये हमजा कतिया है जो पहले है इस केस में, ठीक है। हमजा पांच अबवाब है ऐसे सलासी मजीद से जहां से जहां हमजा कतिया होते हैं, इंशाल्लाह तआला आगे बात कर लेंगे। तो आप लोग जो नेक्स्ट हमने बाब पढ़ लिया था मजीद से, आप लोग कोशिश करिए उसे बनाने की खुद, इंशाल्लाह तआला मैं कल सिखाऊंगा वो भी। चलिए, मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोग प्लीज रिवाइज करते रहिए, रिवाइज कीजिए तो ये समझ आ ही जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।